दुर्गा पूजा छठ के बाद एक बड़ी संघर्ष और लड़ाई प्रत्येक पंचायत हम निकलेंगे, उसके खिलाफ यह संकल्प यात्रा शुरू करेंगे, बिहार बचाने का संकल्प यात्रा, आम आदमी को बचाने का यात्रा। लगातार हम बिहार के विशेष राज और विशेष पैकेज, साथ साथ एसटी एससी क्रिमिनलियर और उसके आरक्षण को खत्म करने की साजिश, लेटरल एग्जामिनेशन को कानून को बनाकर लगातार ईबीसी ओबीसी और प्रतिभावान लड़कों को पर हमला, उद्योगपति पूंजीपति नेता और पदाधिकारी के बच्चों को लाने का एक माध्यम, और सरकारी नौकरी पेशा खत्म करने की साजिश, और बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आज एक बैठक की जिसमें देश में जो नफरत की सिर्फ राजनीति और आरक्षण और एसटी एससी पर हमला जो है उसके खिलाफ इस बिहार में दुर्गा पूजा छठ के बाद एक बड़ी संघर्ष और लड़ाई प्रत्येक पंचायत हम निकलेंगे, ये जो आप ये नए कानून को देख रहे हैं, ये कानून बिल्कुल बिना किसी मुस्लिम इदारा के, मुस्लिम संगठन के, जिसका संबंध देखिए चाहे सिखिज्म का कानून हो, चाहे बुद्ध को मानने वाले एससी एससी का कोई कानून हो, चाहे ईसाइयत का कानून हो, चाहे हिंदुत्व का कोई कानून हो, जब तक आप किसी संगठन और समूह को नहीं बुलाते हैं और उनसे बात नहीं करते हैं, आप हमको बताइए कि कैसे आपने बक बोर्ड जैसी चीजों को लाकर, तीन चीज इसमें है, पहला है पूंजीपति उद्योगपतियों को अरबों खरबों की संपत्ति पर अधिकार मिल जाए, 107 क्लोजर को खत्म कर दी गई, दूसरा है हिंदुस्तान कि जो मस्जिद या जो ईदगाह या कब्रिस्तान रजिस्टर्ड नहीं है गलत तरीके से, आप किसी भी संगठन में आप कह रहे हैं कि दो महिला रहेगी, वो महिला मुस्लिम नहीं कोई और भी रह सकती है, आप कह रहे हैं कि दो हिंदू, कह रहे दो हिंदू, कलेक्टर 3 एमपी 2 5 तो 3 2 5 और महिलाएं भी 2 अलग हो गई तो 7, 11 कमेटी में 7 गैर मुस्लिम, और कल के दिन कलेक्टर के पास जाके बोलिएगा ये कब्रिस्तान का रजिस्ट्रेशन नहीं है, यहां कोई दफना नहीं सकता। तो एक देश को जिस तरीके से लगातार जातीय और धार्मिक उन्माद और एसटी एससी के आरक्षण को छेड़छाड़ करके नफरत पैदा करने की जो साजिश है उसके खिलाफ यह संकल्प यात्रा शुरू करेंगे, बिहार बचाने का संकल्प यात्रा, आम आदमी को बचाने का यात्रा, और केंद्र सरकार के नफरत की राजनीति, समाज तोड़ने की राजनीति और देश को भयंकर नफरत के बीच ले जाने की राजनीति, हिंदू मुसलमान करने की राजनीति, इसके खिलाफ आज बैठक थी और इसीलिए ये संकल्प आज लिया गया। मैं मानती है आप मानेंगे आपके साथ भैया, हम कांग्रेस के साथ हैं, किसी को नेता नहीं मानते, राहुल गांधी के अलावे सर, कांग्रेस सर सम्मान देती है तो बिहार के देश में राहुल गांधी के अलावे नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं, और रियल में एक अपना अच्छा भाई, अच्छा वैचारिक लीडर,
राहुल गांधी के अलावा किसी को नहीं। लालू यादव परिवार है, गार्जियन हो सकते हैं, उसमें कोई लालू यादव मुलायम सिंह यादव जी में कोई बातचीत नहीं। रामविलास जी, नीतीश कुमार, मैंने पहले भी आपको कह दिया है, नीतीश कुमार मेरे सम्मानजनक नेता भी हैं, भाई भी हैं। लालू और मुलायम सिंह जी कंप्लीट रूप से मेरे पिता की तरह थे,